सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ कभी अजीब जायका है, स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। दूसरों के छांव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। एक सत्य ये भी है कि धनवानों का आधा धन तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी धनवान हैं। आज का पंचांग 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:49 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:35 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 8:46 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि भी बनेगी। ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। रुके हुए काम सरलता से पूरे होते जाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित चल रही रुकावटें दूर होगी। वे पारिवारिक संबंधित वाद विवाद निपटाने से घर में सुकून और शांति भरा वातावरण भी बन जाएगा। समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की कोशिश करें। आपको अपने विचारों के साथ आध्यात्मिक बातों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन कम करने की कोशिश करें। जिन लोगों का बर्ताव आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं है उनके स्वभाव को नियंत्रण में लाने की कोशिश करें। करियर में मनचाहा काम प्राप्त होने की वजह से उत्साह बना रहेगा। लव लाइफ में किसी भी प्रकार का बदलाव न आने की वजह से आपको थोड़ा चिंतित महसूस हो सकता है। चिंता और नाराजगी की वजह से बीपी से संबंधित समस्या भी हो सकती है। सावधानियां। भाइयों के साथ चल रही विवादों को तुलना देकर सुलझाने का प्रयास करें। जल्दबाजी और अति उत्साह की वजह से कोई बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है और संबंधों में भी खटास आ सकती है। हालांकि परिस्थितियां जल्द ही संभल जाएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां आने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती है। इस नए रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद खुश महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीकों के बारे में सोचें। बात करते हैं करियर की। धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन गैर जरूरी, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपके मेहनत और उस प्रौद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा। पारिवारिक व्यवस्था की वजह से कार्यस्थल पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन कर्मचारियों के सहयोग से व्यवसाय गतिविधियाँ चलती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपनी
और भी संबंधित कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना भी जरूरी है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप बुखार की चपेट में आने वाले हैं। वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन समय से सावधान हो जाना ही उपयुक्त होगा। एलर्जी और वायरल संक्रमणों से सावधान रहें। हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा, बचने का एकमात्र उपाय आराम है। पूरा आराम करें। दरअसल आपकी सबसे बड़ी चुनौती आप काम के साथ साथ अपनी सेहत को भी संतुलित रखना है। सेहत का ध्यान रखें। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।